हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आप में से बहुत लोगों ने पूछा कि भैया ये जो पर्टिकुलर ब्रीड है, ये जो कैटल डॉग है, तो ये एज अ पेट कैसा है, कुछ रिव्यू बताएं इसके बारे में। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एज अ पेट बहुत ही अच्छा एनिमल है, बहुत ही अच्छा पेट है ये। आप जैसा कि देख सकते हैं, आप इससे मल्टीपर्पज़ वर्क ले सकते हैं। गार्डिंग में ये किसी जर्मन शेफर्ड रॉटवाइलर को भी फेल कर देगा। और जब आप इसको अपने साथ अंदर रखेंगे, घर के अंदर, तो आप देखिए कोई भी एक लेब्रा है या फिर जो भी ऐसे डॉग ब्रीड होते हैं जिनको मान लो काउच पोटैटो बोला जाता है, तो उसी प्रकार से आप इसको बहुत ही देखिए। आप कुछ भी करते रहिए घर में, अगर आपके बच्चे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर, अगर पर्टिकुलर ये ब्रीड है आपके पास, ये कैटल डॉग है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखिए कितना ज़्यादा टॉलरेंस है इसके अंदर। ये मैं कुछ भी करता रहा हूँ, ये इसको कभी नहीं मुझे पलटता है मेरे ऊपर, और उतना ही एग्रेसिव। गार्ड की जब बात आएगी तो उससे ज़्यादा एग्रेसिव डॉग भी कोई नहीं है। और पर्सनालिटी वाइज, लुक वाइज देखिए, कोई ब्रीड इसके आगे टिकती ही नहीं है दुनिया की। क्या शानदार इसका अपीयरेंस है, बहुत ही बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर है इसका। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये जंगली ब्रीड है, एग्रेसिव ब्रीड है, घर में पालने लायक है कि नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पालिए, आप जैसे फॉरनर ब्रीड्स को रखते हैं बिल्कुल इसको वैसे ही रख सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा माने कि इंटेलिजेंट, एक लॉयल और वन हैंड जो अपने ओनर होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए इसके टीथ, कैनाइन, और बहुत ही मस्कुलर इसका जबड़ा है। बहुत ही शानदार पेट है ये। अगर आप लोग कोई डॉग देख रहे हैं पालने के लिए, तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक कंपेनियन हो सकता है। देखिए क्या टॉलरेंस है इसकी, मान लो आराम से लेटा हुआ है, इसको कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एक जो मालिक के लिए एक जो डिवोटेड एनिमल होता है, बिल्कुल वही है ये। थैंक यू।